thank <sweak> you वॉरियर्स वेलकम टू एम बाई डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल आई एम रोहित ठाकुर आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर सॉरी फॉर 15 मिनट्स लेट देर सम टेक्निकल इशू जिसकी वजह से जो है क्लास लाइव नहीं हुई थी बट एवरीथिंग इज फाइन नाउ सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज कम टू दि क्लास एंड शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स आर प्रिपेरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन जितने भी लोग पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाती है चलिए भाई शाबाश एवरी वन स्टार्ट जॉइनिंग दी क्लास सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस जो आपको थोड़ा पंद्रह मिनट वेट करना पड़ा ठीक है तो लेकिन आई वॉट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज शेयर द लिंक विद यर प्रिपेरिंग फॉर दी डिफेंस एग्जामिनेशन चले भाई जिन्होंने अभी तक एम बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है प्लीज डाउनलोड दी एम बाइव एप्लीकेशन टू गेट लेटेस्ट अपडेट उसके साथ साथ वहां पर मिलती है आपको एआई बेस्ड लर्निंग डिफेंस लेक्चर्स डिफेंस रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट वहां पर मिलते हैं तो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एम बाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए रिविजन स्टार्ट करेंगे जो आपके कल की आपके करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी उसका रिविजन जो है हम स्टार्ट करते हैं चलिए भाई सबके सब जो आ जाइए आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ टू प्लीज पार्टिसिपेट इन दी रिविजन दिस इज योर एम एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करने की जरूरत है किसी ने अगर अभी तक जो है टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपके सामने है दैट इज चले वे लेट स्टार्ट विद मॉक टेस्ट जो टेलीग्राम का लिंक है आप लोगों के लिए दैट इज एम बाइव डिफेंस जो आपको ज्वाइन करना है ठीक है भाई डिफेंस जो है दैट इज टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए हर चीज वहां पे अवेलेबल है और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का जो रिविजन का है दैट इज इंडिया नॉर्वे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप रिसेंटली हेल्ड अ मीटिंग इन दी न्यू डेली फॉर विच स्टेट ऑफ एजुकेशन कल जो है हमने इसको डिटेल में कवर किया था सिक्सथ जो है मीटिंग हुई थी इंडिया नॉर्वे की न्यू डेली में किस चीज के ऊपर जो है उसमें फोकस किया जाएगा पहले तो जय हिंद टू तो एवरी वन अन्वी पूजा वालादमीर सुमन जय हिंद बिल्कुल सही आंसर है सबका दैट इज एप्सोल्यूटली राइट हायर एजुकेशन जो है दैट इज द राइट आंसर हायर एजुकेशन पे जो है फोकस किया जाएगा वेरी गुड एवरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिविजन का दैट वी हैव इज इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू पब्लिश बाई ऑक्सफाम इंडिया की जो रैंकिंग है आपको बताना है कल मैंने आपको बताया था कि छह रैंक्स इंडिया ने इम्प्रूव करे थे और सबसे ज्यादा जो है जॉब एरिया इन इक्वालिटी जो है देखी जाती है सेक्स बेस्ड इनक्वालिटी ठीक है बिल्कुल सही आंसर है सबका एक सौ तेईस जो है आपको ध्यान रखना है दैट इज दी रैंकिंग बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन देखते हैं रिविजन का अगला क्वेश्चन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इयर ट्वेंटी ट्वेंटी 2022-2023 ट्वेंटी थ्री अकॉर्डिंग टू दी रीसेंटली पब्लिड आई एम एफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट चलिए भाई कल ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में शेखर का बिल्कुल सही आंसर है वेरी गुड शेखर निहाल ने भी सही आंसर दिया है प्रभात अनवी एब्सोल्यूटली राइट सिक्स पॉइंट एट जो है आपको ध्यान रखना है सिक्स पॉइंट एट जो है एक्सपेक्ट किया गया है और इकोनॉमिक विंटर्स के लिए जो है बोला है कि रेडी रहना और ये चीज किसकी वजह से है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से है लॉकडाउन जो चाइना में लगा था उसकी वजह से है तो ओवर द टाइम पीरियड जो दो साल में पूरे देश ने पूरे विश्व ने जो चीजें सही है उसकी वजह से जो है ये रिड्यूस हुआ है ठीक है चलिए भाई शाबाश लाइक और शेयर जो है सेशन करते चलिए भाई वॉरियर्स अभी भी काफी ज्यादा लोग जो है लाइव नहीं है तो किसी को अगर लगता है कि क्लास लाइव नहीं हुई तो उसके साथ आप प्लीज जो है लिंक उसको शेयर कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चाइना हैज लॉन्च देयर एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी निक डेम कोफू वन अब फू वन के बारे में जो है मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये किस चीज के लिए जो है बेसिकली लॉन्च करी गई है चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश बिल्कुल सही है शेखर का प्रभात का सही है अनवी का भी बिल्कुल सही है सुमन एप्सोल्यूटली राइट right. तो ये बेसिकली जो है जाएगा इट इज अ सोलर ऑब्जर्वेटरी ठीक है सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो सन की मैग्नेटिक फील्ड को जो है ऑब्जर्व करेगा पूजा का बिल्कुल सही है चलिए निहाल का भी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका रिविजन का DART that is डबल asteroid redirection test टेस्ट launched by which विच स्पेस एजेंसी डाट जो है आपको बताना है बेसिकली किसने जो है इसको लॉन्च किया है इसरो कॉस्मोस, नासा या फिर कनेडियन स्पेस एजेंसी बिल्कुल सही है भाई सबका सही आंसर है वेदां प्रभात सोनम अनवी, नासा जो है आपको ध्यान रखना है दैट इज एप्सोल्यूटली राइट आंसर चलिए भाई वेरी गुड एवरी अब जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेशन स्टार्ट होने वाला है आज की जितनी आपकी एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट न्यूज है डिटेल में उसको करेंगे। उसको कवर करेंगे फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस दो हजार बाईस में आज से जयपुर में होगी स्टार्ट पेट्रोलियम नेचुरल गैस और मिनरल के एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्सप्लोरेशन पर होगा डिस्कशन ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान कृष्णा गोदावरी बेसिन में की गई आयोजित सभी मेरीटाइम स्टेक होल्डर्स ने ऑफशोर डिफेंस एक्सरसाइज में किया पार्टिसिपेट आई एन एस इप समर एक्सरसाइज के सेवेंथ एडिशन में पार्टिसिपेट करने पहुंचा साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ कॉमन मेरीटाइम थ्रेट्स को एड्रेस करने का है मेजर टारगेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च की मां भारती के सपूत नाम की वेबसाइट आर्म फोर्स बैटल कैजुअल फंड में सिटीजन कंट्रीब्यूशन के लिए गुडविल अम्बेसडर अमिताभ बच्चन करेंगे अपील तमिलनाडु में सिलेंडर लॉरिज के लिए अधिसूचित की गई इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करूर और दिंदीगुल डिस्ट्रिक्ट में आठ हेक्टेयर फॉरेस्ट में होगा इसका फैलाव चले वे वॉरियर्स आई होप हेडलाइंस आप लोगों ने देख ली होगी और आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटेल में डिस्कस करेंगे हर न्यूज को और देखेंगे कि आपके एग्जाम में कहां से किस टाइप के जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं तो चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है आ जाइए सबके सब उसके बाद एक एक बार दोबारा से भाई लिंक जो है शेयर कर दो चलिए भाई फर्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपकी नेशनल इंटरेस्ट की न्यूज है जो आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जयपुर टू होस्ट फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस ठीक है तो वन लाइनर अगर पूछा जाए कि आपको ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट पूछे आपसे कि फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जो है कहां पर हुई है तो जयपुर जो है आपको ध्यान रखना है वहां पे जो है

विल पार्टिसिपेट टू डिस्कस द इशूज एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस तो भाई ये जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे हुई है जयपुर जो है आपको ध्यान रखना और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज ने जो है इसमें नेचुरल गैस से रिलेटेड ऑयल से रिलेटेड जो है डिस्कशन किया है मोर देन फिफ्टी कंट्रीज इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है ठीक है बिल्कुल रोज़ क्लास होती है सक्षम बिल्कुल सक्षम रोज़ क्लास होती है आठ बजे आपकी रेगुलर करंट अफेयर्स की ठीक है गुड टू सी यू उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है ये बेसिकली है क्या ए पी जी दैट इज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट ठीक है इंडिया भी जो इसका एक मेंबर है आपको ध्यान रखना अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट इज वन ऑफ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल जियोलॉजिकल सोसाइटीज विद मोर देन फोर्टी थाउजेंड मेंबर्स अक्रॉस इंडिया एंड वन ट्वेंटी नाइन कंट्रीज भी इसकी जो है मेंबर्स है और किस चीज के ऊपर ये काम करते हैं वो आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम रिलेटेड नेचुरल गैस अदर सब्सटेंसेस फ्लूइड्स मिनरल रिसोर्सेज इट वर्क्स टू प्रमोट एक्सप्लोरेटरी टेक्नोलॉजी टू फाइंड एंड प्रोड्यूस दीज मटीरियल इन एन इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंट साउंड मैनर एंड टू एडवांस दी प्रोफेसल वेलबींग ऑफ इट्स मेम्बर्स अब बेसिक जो फंडा आपको ध्यान रखना है कि जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट है ये किस चीज़ के ऊपर काम करती है इंडिया भी इसका एक तरह से मेम्बर है इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है नेचुरल गैस से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया गया है ऑयल से रिलेटेड चीज़ों जो है डिस्कस किया गया है कि इकोनॉमिकल वे में जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ है जो आपको ध्यान रखना है 129 मेंबर कंट्रीज हैं उनको कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है ठीक है उससे जो है जल्दी ही आपके एस क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी शेखर डो नॉट वरी अबाउट इट ठीक है तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके एक तो इकोनॉमिकली कैसे आपको प्रोवाइड करी जा सकती है पूरी की पूरी चीजें उसके साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी कैसे रहा जा सकता है ठीक है इस तरह तरीके से तरीके बिकॉज ये चीज़ें जो है नॉन रिन्यूएबल है लिमिटेड है तो लिमिटेड वे में जो इसको अच्छे से कैसे यूज किया जा सकता है ये काम किसका है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट का क्लियर है सबको फर्स्ट न्यूज एवरी एक बार कमेंट करके बताइए भाई शाबाश चलिए वेरी गुड नेक्स्ट न्यूज देखते हैं विच इज ऑपरेशन डिफेंस डिफेंस रिलेटेड न्यूज है आपकी नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है प्रस्थान ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज इंडियन नेवी की जो है इट बेसिकली हुई है ठीक है कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो है ये एक्सरसाइज हुई है आपको ध्यान रखना है ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान जिसका नाम है वो कंडक्टेड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफ शोर डेवलपमेंट एरिया रिसेंटली अंडर द एजेस ऑफ हेडक्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड अब क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इनमें से जो चार एक्सरसाइजेज़ आपको दे दी जाएगी ठीक है वो जो है आपको पूछ लिया जाएगा कि गोदावरी बेसिन पे जो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज हुई है तो प्रस्थान एक्सरसाइज हुई है इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है इस चीज़ को भी जो है आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल वला तो जितनी भी आजकल बेसिकली क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज होती है ऑयल रिलेटेड नेचुरल गैस रिलेटेड उनका जो मेन मोटिव है ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी क्लीन एनर्जी उसके ऊपर जो फोकस होता है सोलर एनर्जी वो बेसिक जो फोकस होता है वो होता है फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है मेन फोकस किया जाता है बिल्कुल सही ठीक है तो इस न्यूज के बारे में आपको क्या चीजें ध्यान रखने इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है और ये भी पूछा जा सकता है कि, कि किसने जो है इसको कंडक्ट किया है तो नेवी ने तो कंडक्ट किया है लेकिन ईस्टर्न नेवल कमांड ने जो है इसको कंडक्ट किया है और इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें होगी द एक्सरसाइज कंडक्टेड एवरी सिक्स मंथ एम्स टू इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ ऑल मेरी टाइम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन ऑफ डिफेंस लेड बाई नेवी एक्सरसाइज सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम वेरियस ऑयल ऑपरेटर्स लाइक ओ एन जी सी आर आई एल वेदांता एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन डोमेन ऑफ मेरी टाइम सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ए पी मरीन पुलिस फिशरीज डिपार्टमेंट एंड कोस्ट गार्ड तो आपको बेसिक चीजें जो है ध्यान में भी रखनी है इसमें कि काफ़ी अदर ने भी पार्टिसिपेट किया ऑपरेटर्स ने लाइक ओ एन जी सी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है आर आई एल वेदांता ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है इसको कंडक्ट जो है किसने किया हुआ है अनवी एपसोल्यूटली राइट वेरी गुड ठीक है तो इसको कंडक्ट किया है आपका ईस्टर्न नेवल कमांड ने जिसका नाम है प्रस्थान ये की पॉइंट्स जो आपको इस करंट अफेयर से इस न्यूज से जो है ध्यान में रखने हैं फीचर्स क्या थे इस वाली एक्सरसाइज के ये भी आपको पता होने चाहिए सच एज टेररिस्ट इंट्रूजन बॉम्ब एक्सप्लोजन कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सर्च एंड रेस्क्यू मैन ऑन ओवरबोर्ड मेजर फायर ऑयल स्पिल एंड मास इवैक्यूएशन वर एक्सरसाइज द एक्सरसाइज प्रोवाइडेड ऑल स्टेक होल्डर्स विद रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी टू एस एस द रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड एंड कॉम्बैट कंटीजेंसीज इन इन द ईस्टन एंड टू ऑपरेट टूगेदर इन कॉर्डिनेटेड एंड एनर्जाइज मैनर बेसिक फंडा जो है इस एक्सरसाइज जितनी भी एक्सरसाइजेस होती है चाहे आर्मी की हो एयरफोर्स की हो नेवी की हो क्या फोकस किया जाता है उस चीज के ऊपर ठीक है एक तो देखा जाता है कि कितनी इंटर ऑपरेबल ऑपरेबिलिटी है दोनों के बीच किस तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर प्रैक्टिस किया जाता है अगर कल को या फिर अनफोर्सिंगी के दौरान अगर कोई नो शिप uh, है जिसमें ऑयल स्पिल हो जाता है तो वहां से कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा तो रियल टाइम सिचुएशंस में जो है इन पूरों ने जो है वहां पे प्रैक्टिस किया ये मेन फंडा फंडा थे इस वाली एक्सरसाइज के जिसका नाम था प्रस्थान आई होप ये वाली न्यूज क्लियर है भाई सबको एक बार जो है कमेंट करके बताइए शाबाश भाई एवरी है दो न्यूज जो अभी तक हमने कवर करी है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो है स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके साथ साथ जो है वन लाइनर भी पूछा जा सकता है आपके अभी तक भाई लाइक और शेयर जिन्होंने नहीं किया है भाई इट इज अ रिक्वेस्ट कि लाइक और शेयर जो है सेशन को करते चलिए भाई शाबाश वेरी गुड नेक्स्ट न्यूज देखेंगे इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑपरेशन डिफेंस की न्यूज है है ये भी आपको ध्यान रखना है, इब समर इब समर, समर आई एन एस तर्कश रीच साउथ अफ्रीका तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका में जो है इनमें से कौन सा आई एन एस इंडियन नेवी का पहुंचा है तर्कश जो है आपको ध्यान रखना है क्वीन

पार्टिसिपेट करता है और साउथ अफ्रीकन का नेवीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है बेसिकली एक होती है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज ठीक है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी की तरफ से जो है आई एन तर्कश ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है जो पोर्ट एलिजाबेथ पहुंच गया है और इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें होगी वो भी आपको ध्यान रखना है द हार्बर फेज ऑफ इब समर सेवन इंक्लूड्स प्रोफेशनल एक्सचेंज ऑफ सच एज डैमेज कंट्रोल एंड फायर फाइटिंग ड्रिल्स ठीक है उसके अलावा इंटरेक्शन अमंग स्पेशल फोर्सेज उसमें रहेगा द इंडियन नेवीज इज रिप्रेजेंटेड बाई तेग क्लास गाइडेड मिजाइल जिसके जिस जो बेसिकली आई एन में है चेतक हेलीकॉप्टर रहेगा उसमें उसके साथ साथ द पर्सनल फ्रॉम मरीन कमांडोज जो नेवी की मरीन स्पेशल फोर्सेस है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे प्रीवियस एडिशन वाज कंडक्टेड ऑफ साइमन्स टाउन साउथ अफ्रीका फ्रॉम फर्स्ट टू थर्टीन अक्टूबर 2018 तो इब समर जो आपको ध्यान रखना है इब समर सेवन में जो है आई तरकश ने पार्टिसिपेट किया है गणेश जय हिंद गुड इवनिंग ठीक है तो आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि इब समर सेवन में जो है इंडियन नेवी की तरफ से जो है किसने पार्टिसिपेट किया है आई तरकश ने जो है पार्टिसिपेट किया है उसके साथ साथ किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा इस वाली एक्सरसाइज में फायर फाइटिंग ड्रिल्स होंगी ठीक है रियल टाइम सिचुएशंस जो है पूरी कंट्रीज वहाँ पे बनाती है और देखती है कि अगर रियल में ये सिचुएशन होती है तो कौन किस तरीके से जो है परफॉर्म कर पाएगा और ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में से किस स्पेशल फोर्सेस ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है तो नेवी के जो स्पेशल फोर्स होती है मरीन कमांडोज मार्कोस उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है इस चीज का जो है आपको ध्यान में रखना है क्लियर है भाई सबको ये न्यूज ठीक है ऑब्जेक्टिव जो है आपको ध्यान रखना है क्या क्या है इस वाली एक्सरसाइज के द्वाइट मेरी टाइम एक्सरसाइज विल स्ट्रेंदन दी मेरी सिक्योरिटी ज्वाइंट ऑपरेशनल ट्रेनिंग शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस एंड बिल्ड इंटरऑपरेबिलिटी टू एड्रेस कॉमन मेरी टाइम थ्रेट्स अब बेसिक चीजें हैं ये ठीक है हर एक्सरसाइज जो भी होती है मेरी एक्सरसाइज उसमें क्या है मेरी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाता है ट्रेनिंग एक दूसरी कंट्रीज के साथ जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है इंटरऑपरेबिलिटी कैसे करी जाएगी रियल सिचुएशन रियल वॉर लाइक सिचुएशन अगर होती है उस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है कोई भी आप एक्सरसाइज ले लो चाहे फौज की ले लो नेवी की ले लो एयरफोर्स की ले लो तो वह हर जगह जो है अपने बेसिकली अगर फौज की एक्सरसाइज होगी हो तो जमीन में कैसे चीजें कोऑर्डिनेट करी जाएगी एयर एक्सरसाइज होगी तो एयर एक्सरसाइज में कैसे चीजें कोऑर्डिनेट करी जाएगी वैसे ही मेरी सिक्योरिटी की जो एक्सरसाइजेज होती है उसमें मेरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाता है ठीक है अब आई एन तर्कश के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है दैट इज इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी बिल्ड बाय यंतर शिप यार्ड एट केलिंग रशिया ठीक है तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि रशिया में जो है केलिंग में जो है इसको बनाया गया है

चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये वाला भी आपके सी डी या फिर एनडीए के एग्जाम में वेबसाइट फॉर आर्म फोर्सेस कैजुअलिटी फंड कैजुअलिटी फंड के लिए जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, जी ने जो है एक लॉन्च करी है वेबसाइट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट एनेबलिंग सिटीजन टू कंट्रीब्यूट टू द आर्म फोर्स बेटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड अब ये फंड के बारे में आपको बेसिकली चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक वेबसाइट होगी जिसमें एक नॉर्मल सिटीजन जो है भारत भारत का वो जो है अपना फंड जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है जो ट्राई सर्विस फंड होगा बेसिकली जिन्होंने कैजुअलिटी जो कैजुअलिटी हुई है बैटल के दौरान जो है सोल्जर शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज के लिए जो है बेसिकली ये फंड जो है प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है और वेबसाइट का नाम जो है माँ भारती के सपूत है इस चीज़ को भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डायरेक्ट एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है ठीक है अब देखिए भाई ये फंड होता क्या इट इज बेसिकली ट्राई सर्विस फंड यूटिलाइज फॉर ग्रांट ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्स ग्रेशिया टू दी नेक्स्ट ऑफ किन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज वाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर सोल्जर्स स्ल्ड ऑन डिसेबल ड्यूरिंग एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन इन लाइन ऑफ ड्यूटी देर हैज बीन स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटिमेंट एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम पेट्रियोटिक सिटीजन कॉर्पोरेट हेड्स इंडस्ट्री कैप्टन

जो हमारे सोल्जर्स मार्टर हुए हैं ऑपरेशन के दौरान बैटल्स बैटल के दौरान उनकी फैमिलीज को या फिर जो डिसेबल हुए हैं उनकी फैमिलीज को जो है प्रोवाइड करने के लिए वेबसाइट जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है लॉन्च करी है क्लियर है सबको ये वाली न्यूज़ सर मैं ट्वेल्थ में हूँ मुझे एम करना है तो पी की पोस्ट की तैयारी कर रही करूँ या डी देखिए भाई ट्वेल्थ में तो हर एग्जाम की तैयारी करो एनडीए की भी तैयारी करो एम की भी तैयारी करते रहो करंट अफेयर्स हर जगह पूछी जाती है और जो आपका कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट प्रिपेयर करो एम फॉर हाई एम फॉर एनडीए ठीक है तो एनडीए की प्रिपरेशन करोगे तो हर एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा ई एस आई के ठीक है क्लियर है सबको चलिए अभी ब्रांड एम्बेसिडर कौन रहेंगे ये भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्रांड एम्बेसिडर कौन है इनके वेबसाइट ऑन महाभारती के सपूत विल हैव हाँ फिल्म आइकन अमिताभ बच्चन एज दी गुडविल एम्बेसिडर ठीक है तो अमिताभ बच्चन जी जो है इसके ब्रांड एम्बेसिडर भी रहेंगे चलिए भाई शाबाश वेरी गुड नेक्स्ट जो है न्यूज देखते हैं सबके सब, सब। चलिए भाई आ जाइए इंटरनेशनल न्यूज है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे फॉर कंज्यूमर्स पॉलिसी मेकर्स तो चौदह जो अक्टूबर है दैट इज बेसिकली नाउ ऑब्जर्व एज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे एवरी ईयर ऑन अक्टूबर फोर्टीन वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इज ऑब्जर्व दिस डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे

वर्ल्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है उसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ठीक है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे द दीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स लाइक इंटरनेशनल टेली यूनियन इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड आई एस ओ एज वेल एज दी प्रोफेशनल द विदर्पज ऑफ डे इज टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टर इन टूडेज़ ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड द स्टैंड स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस इज अ क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोमोटिंग ट्रेड एंड रिजोल्विंग टेक्निकल इश्यूज़ तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होगा वर्ल्ड चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहेंगी बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगी बिकॉज ओवर द टाइम पीरियड हर चीज़ जो है डेवलप होती जा रही है तो ओवरऑल जो है डेवलपमेंट हर जगह रहनी चाहिए हर कंट्री को जो है हर चीज़ का इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए क्लियर है भाई वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में थीम प्लीज़ ध्यान रखिएगा वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज से कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड बैक बेटर ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है ठीक है तो उसको प्लीज ध्यान रखना इस बार का जो थीम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे का इज बिल्ड बैक बेटर जो है इस बार का थीम है इसको प्लीज़ अपने दिमाग में स्टोर रखना ठीक है तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है बिल्ड बैक बेटर नेक्स्ट न्यूज देखेंगे नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इस प्लान इन फोकस बिल्कुल सही निहाल वेरी गुड ठीक है देखो जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसमें जितनी भी न्यूज़ हम करते हैं बेसिकली प्लीज़ उसके साथ अगर आप क्लास ले रहे हो कॉपी वगैरह और पेन वगैरह साथ रखो जो जो चीज़ें की पॉइंट्स मैं बताता चल रहा हूँ नोट्स बता बनाते चलो बिकॉज वट विल हैपन जब आपको रिविजन करने का टाइम आएगा ना तो आपको बस एक बार उस चीज़ को देखने की ज़रूरत होगी और जो, जो जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ विद माई एक्सपीरियंस वही चीज़ें आपके एग्जाम एक, में जो है सी डी एस एन डी एस सी ए पी एफ में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है ठीक है नेक्स्ट न्यूज देखेंगे विच इज अगेन इंपॉर्टेंट प्लान इन फोकस वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे फेस्टिविटी वाइल्ड लाइफ एस ओ एस आगरा ठीक है तो वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे जो है ऑब्जर्व किया जाएगा बारह अक्टूबर को प्लीज ध्यान रखना द फर्स्ट एवर वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे सेलिब्रेशन ऑफ अक्टूबर बाई वाइल्ड लाइफ एस ओ एस इन आगरा

ठीक है तो आपको ध्यान क्या रखना है ध्यान ये रखना है कि वर्ल्ड का जो पहला स्लॉथ बियर डे सेलिब्रेशन है आगरा में हुई है ठीक है 12 अक्टूबर को हुई है और किस किसने करी है आई यू सी एन के मिल्क आयु सी एन के साथ मिलके जो है यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको किया है ठीक है क्लियर है सबको ये वाली न्यूज अब स्लॉथ बेयर बेसिकली पता होना चाहिए इज यूनिक बेयर स्पीशीज फाउंड इन इंडिया इट इज द लीस्ट रिसर्च बेयर स्पीशीज लिस्टेड एज वर्लरेबल ऑन द आई यू सी एन रेड लिस्ट वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन इंडिया इन्वॉल्व इन स्लॉथ बियर प्रोटेक्शन रेस्क्यू एंड रीहबिलिटेशन फॉर ओवर टू डेड इन कलाबोशन विद आई यू सी एन एज डिक्लेयर ट्वेल्थ अक्टूबर एज दी वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे टू प्रमोट दी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द यूनिक बियर स्पीशीज तो इस बियर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये ऑब्जर्व किया जाएगा बारह अक्टूबर को ताकि इसको जो है बेसिकली प्रोटेक्ट किया जा सके इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ एसओ एस ने जो है आई यू सी एन के साथ मिलकर और यूपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है ये डिक्लेयर किया है वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे 12 अक्टूबर को इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ एसओएस इज अ बेसिकली कंजर्वेशन नॉन प्रॉफिट इन इंडिया एस्टैब्लिश इन 1995 विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस्क्यूइंग एंड रिहेबिलिटेशन वाइल्ड लाइफ इन डिस्ट्रेस एंड प्रिजर्विंग इंडिया नेचुरल हेरिटेज इट इज करंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ एशिया तो वाइल्ड लाइफ एसो एस जो है अब नाम से ही सजेस्ट होता है कि भाई किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा रेस्क्यू करना ठीक है एनिमल्स को रिहेबिलिटेट करना वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो वनरेबल में है ठीक है इंडेंजर्ड में है उनको प्रिजर्व करना प्रोटेक्ट करना जो है इनका मेन मकसद है और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि साउथ एशिया में जो है बेसिकली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन भी है वाइल्ड लाइफ एस एस इंडिया क्लियर है भाई सबको ये वाली न्यूज़ एक बार कमेंट करके बताइए भाई शाबाश वेरी गुड लाइक और शेयर जो है सेशन नहीं हो रहा है अभी भी मुझे जो है कम बच्चे यहाँ दिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जो है भाई पार्टिसिपेट करते चलिए ठीक है कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में आती है तो प्लीज़ कीप ऑन पार्टिसिपेट पार्टिसिपेटिंग जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे आपस में भी उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी तो जब इतनी ज़्यादा ध्यान में रहेंगी ना चीज़ें तो फिर क्या होगा एग्जाम में हर क्वेश्चन सही होगा ठीक है चलिए वेरी गुड नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज प्लान इन फोकस तमिलनाडु नोटिफाइज फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी तो प्लीज ध्यान रखना तमिलनाडु हम हम भारत का जो है इकलौता राज्य है जिसने फर्स्ट सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी जो सेंचुरी जो है भारत की नोटिफाई करी है ठीक है इन अ फर्स्ट इन द कंट्री तमिलनाडु गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाइड स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली ग्यारह हेक्टेयर्स इन करूर एंड दिंदीगुल डिस्ट्रिक्ट अ टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेट इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स हेक्टेर इन दी फॉरस्ट एरियाज ऑफ करूर एंड दंडिगुल डिस्ट्रिक्टी मर्स्ट टू फॉर्म कंदवूर स्पलेंडर लॉरस सेंचुरी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया दीज मैम आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है भाई इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत की जो पहली फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी है वो कहाँ पे है तो so, तमिलनाडु जो है आपको ध्यान में रखना है वहाँ पर जो है ये नोटिफाई करी गई है कितने हेक्टर में बेसिकली दो को मर्क मर्ज किया गया करूर एंड दिंदीगुल डिस्ट्रिक्ट में इसको मर्ज किया गया है तो इसका जो एरिया है वो भी आपको अप्रॉक्सिमेट ध्यान रखना है ग्यारह हजार हेक्टर्स में जो है ये फैली हुई है और ये जो है न्यूज आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है भाई डायरेक्ट जो है पूछी जा सकती है अब ये है क्या ठीक है सिलेंडर लॉरेस जो है इट इज बेसिकली लिस्टेड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू आई यू सी एन द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज डिपेंड ऑन इट्स हैबिटेट इंप्रूवमेंट

जो डिस्कवरी चैनल देखते हैं नेट जियो देखते हैं उनको जो है इसके बारे में बिल्कुल मालूम होगा तो इसको प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली आई में जो है इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये कदम जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उठाया है क्लियर है सबको ये वाली न्यूज़ एवरी उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है तमिलनाडु में ठीक है वो क्या है ठीक है पाक बे बिल्कुल पाक बे में जो है डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है अदर स्टेप्स बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट टू कंजर्व इकोलॉजी इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू वर्ड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड इंडिया फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं ठीक है तो डिगोंग जिसको सी काओ भी बोलते हैं इसको भी जो है पाक बे में प्रिजर्व करने के लिए कंजर्व करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो है नोटिफाई किया गया है ठीक है ट फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व एट अगस्त मिला इन त्रिनेवल्ली फर्दर थर्टीन वेटलैंड अक्रॉस स्टेट दर डिक्लेयर एज दाम साइड साइड तो ये वाला पॉइंट प्लीज ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहां पे है पे ये भी तमिलनाडु में ही है पार्क वे में जो है इसको नोटिफाई किया गया है ठीक है स्लेंडर लॉरिस को भी जो है अब बेसिकली तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया कि इसको भी हम जो है प्रिजर्व करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे बिकॉज ये क्या है आई का एंडेंजर्ड स्पीशीज है क्लियर है सबको इतनी न्यूज जितनी अभी तक हमने कवर करी भाई शाबाश भाई एवरी कमेंट करके मुझे बताते चलिए प्रभात अनवी वाले बिल्कुल सही अगली न्यूज देखते हैं अगली न्यूज वी हैव हाँ प्लैनेट इन फोकस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 69 परसेंट डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ तो देखिए भाई अब लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के हिसाब से जो है 69 परसेंट जो है डिक्लाइन आया है वाइल्ड लाइफ में तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है देर हैज बीन सिक्सटी डिक्लाइन इन दी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ मेमल्स बर्ड्स एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड फिश अक्रॉस ग्लोब इन लास्ट फिफ्टी ईयर अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट लिविंग प्लान रिपोर्ट बाई वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर तो आप देख सकते हो कि भाई लास्ट पचास साल में जो है पृथ्वी के क्या हाल हो रहे हैं सिक्सटी नाइन परसेंट जो है डिक्लाइन आ चुका है स्पीशीज में तो ओवर द टाइम पीरियड आप इमेजिन कर सकते हो कि अगले पचास साल और अगले सौ साल जो है पृथ्वी में क्या हड़कंप मचने वाला है ठीक है अब ये है क्या लिविंग प्लान रिपोर्ट होती क्या है लिविंग प्लान रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी टू ईर्स वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर सिंस 1998. इट इज बेस्ड ऑन द लिविंग प्लान इंडेक्स एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन लिविंग प्लान रिपोर्ट इज द वर्ल्ड लीडिंग साइंस बेस्ड एनालिसिस ऑन दी हेल्थ ऑफ अवर एंड इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है बट जो चीज ध्यान में रखने वाली है कि

ठीक है तो अब देख सकते हो कि 2022 से जो है बेसिकली कितना ज़्यादा स्पीशीज़ को एनालाइज किया गया है ऑलमोस्ट बत्तीस हज़ार स्पीशीज़ को एनालाइज़ किया गया है और लास्ट 50 साल में जो डिक्लाइन देखें ठीक है बर्ड्स में मैमल्स में फ़िश में रेप्टाइल्स में एम्फीबियंस में मतलब हर चीज़ ये एक तरह से कवर हो चुकी है तो सिक्सटी जो है डिक्रीज़ आ चुका है ये तो है जो नोन है कई चीज़ें ऐसी जो अभी तक अन ही है तो क्या पता वो भी जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हो अब किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है जो सिक्स थ्रेड्स देखे जाएँ एग्रीकल्चर हंटिंग लॉग लॉगिंग पोल्यूशन इन्वेसिव स्पीशीज़ या क्लाइमेट चेंज इन चीज़ की वजह से जो है ये की थ्रेड्स है बायोडाइवर्सिटी के लिए ठीक है एग्रीकल्चर बिल्कुल उसके अंदर है हंटिंग की वजह से जो है एंडेंजर्ड होती है स्पीशीज़ एंडेंजर्ड के बाद एक्सटिंक्ट हो जाती है लॉगिंग की वजह से होती है पोल्यूशन जो है उस एरिया में या फिर कुछ दूसरी स्पीशीज़ जो इन्वेसिव हो जाए उसकी वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज हो जिसकी वजह से कई स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट कर जाती है ठीक है भाई उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है वॉट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इट इज फंड ठीक है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेड इन इन 1961 दैट वर्क्स द द फील्ड ऑफ ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ह्यूमन इंपैक्ट ऑन मतलब जो है ह्यूमन बेसिकली क्या है जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उतने ज्यादा फॉरेस्ट कट रहे हैं उतना ज्यादा जो है हम फॉरेस्ट के पास रहते जा रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है जो उस फॉरेस्ट में रहने वाली स्पीशीज है ह्यूमन के में ज्यादा आ जाती है फिर वो जो है धीरे धीरे एंडेंजर्ड बनती है और फिर एक्सटेंट हो जाती है तो उसके ऊपर फोकस करते हैं कि ह्यूमन का उनके साथ काफी कम इंटरेक्शन रहे इट वॉज फॉर्मली द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिमेन्स इन ऑफिशियल नेम इन कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स हेडक्वार्टर कहाँ है इसके ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है ठीक है उनतीस अप्रैल उन्नीस को जो है स्विट्जरलैंड में उसको फाउंड किया गया था डायरेक्टर जो है इनके मार्को लेम्बर्टिनी जो है इनके डायरेक्टर जनरल है इस चीज को आपको ध्यान रखना है ठीक है बेसिक फंडा ध्यान रखना कि पिछले पचास साल में जो, 69 जो है डिक्लाइन हो चुकी है ये मेन फंडा जो है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है ठीक है चलिए भाई वेरी गुड नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दैट इज टेक टेक इन इन फोकस फोकस की न्यूज है नेक्स्ट प्लीज इंपॉर्टेंट है पावर एक्स साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज बाय सर्टेन ठीक है तो ध्यान रखना है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की जो है एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट करी है जिसका नाम है पावर एक्स साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है पावर एक्स फॉर वन नाइन थ्री इनवाइटेड पावर सेक्टर यूटिलिटीज ठीक है तो वन नाइनटी थ्री पावर सेक्टर यूटिलिटीज के लिए पावर एक्स जो है इसको बेसिकली कंडक्ट किया है इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज प्लानर टीम ऑफ एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर इंसिडेंट्स इन दी आई एंड ओटी सिस्टम्स तो बेसिक फंडा क्या ध्यान रखना है आपको आई सेक्टर एंड ओ सेक्टर में जो है आपको किस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा इनका साइबर इंसिडेंट्स जो होते हैं ठीक है तो उनको रोकने के जो है मेन फोकस रहेगा थीम जो आपको ध्यान रखना है दैट इज डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन आईटी एंड ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये बेसिक फंडा जो है है आपको ध्यान रखना पावर एक्स एक्सरसाइज का ठीक है क्लियर है भाई सबको एवरी चलिए भाई शाबाश वेरी गुड तो ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको ध्यान में रखनी है जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है अब आता है आपका क्रूशियल टाइम जो है कि आप लोगों ने कितने ध्यान से जो है पूरी करंट अफेयर सुनी है तो आई वॉन्ट प्लीज पार्टिसिपेट इन मॉक चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए सबके सब, सब लाइक और शेयर करके पहला क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 वाज हेल्ड एट विच ऑफ सिटीज अहमदाबाद बीकानेर जयपुर या फिर दिल्ली प्रभात साइलेश पूजा अनवी बिल्कुल सही आंसर है भाई बाकी सब कमेंट करके भी पार्टिसिपेट करिए वेदांग का भी बिल्कुल सही है सोनम का भी बिल्कुल सही है जयपुर जो है आपको ध्यान रखना है दैट इज राइट आंसर शाबाश वेरी गुड नेक्स्ट देखेंगे ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान जो कि आपको सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया है वॉज कंडक्टेड इन रिसेंटली अंडर फॉलोइंग नेवल कमांड ठीक है जो मैंने आपको बोला था कि कहाँ पे ये नेवल कमांड सिचुएटेड है अनवी ने बिल्कुल बता दिया है साइलेश ने भी बताया है है प्रभात वेदांग सोनम राइट आंसर ठीक ईस्टर्न नेवल कमांड जो आपको ध्यान रखना दैट इज राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन नेवल शिप रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन एडिशन ऑफ इब समर एट पोर्ट एलिजाबेथ जिसको ग्रेकवार ग्रेकुरिया भी बोलते हैं साउथ अफ्रीका में ठीक है इब समर सेवन में जो है इनमें से किस फ्रिगेट वेसल ने जो है पार्टिसिपेट किया है वेदांग व्लादिमीर अनवी साइलेश शेखर पूजा एब्सोल्युटली राइट कीर्ति बिल्कुल सही आईएनएस तरकश जो है आपको ध्यान रखना है दैट इज दी राइट आंसर बिल्कुल सही शाबाश सुमन एंड सोनम का भी सही है अगला क्वेश्चन विच एक्टर हैज बीन रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज गुडविल एंबेसडर फॉर द वेबसाइट मां भारती के सपूत व्हिच अनेबल्स रखना है महाभारती के सपूत का नाम है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने जो इसको इनोग्रेट किया है लॉन्च किया है जिसमें की आर्म फोर्सिस के जो बैटल कैजुअलिटी के सोल्जर्स होते हैं उनकी किथ एंड किन्स के लिए उनकी फैमिलीज के लिए उनके डिपेंडेंट के लिए जो है फंड इकट्ठा करा जा सकता है रणवीर सिंह अमिताभ बच्चन विक्की गौशल पंकज त्रिपाठी सुमन अन्वी सोनम बिल्कुल सही है अमिताभ बच्चन जो है आपको ध्यान रखना दैट इज दी राइट आंसर वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई रिविजन का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे फोकसिंग ऑन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स पॉलिसी मेकर्स एंड बिज़नेसेस अबाउट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए विलामीर आपसे राइट कीर्ति निहाल शेखर साइलेश भाई सबके सब जो है मुझे कमेंट करके आंसर देंगे भाई वेरी गुड शाबाश जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था भाई सेशन प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है रिवाइज जरूर कर लेना बिल्कुल सही आंसर है चौदह अक्टूबर जो है आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही है चलिए भाई वॉरियर्स वेरी गुड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग इन जिन्होंने अभी तक टाइम टेबल नहीं देखा है एनडीए का और अग्निवीर का आपके सामने टाइम टेबल है ठीक है सीडीएस और सीएपीएफ का भी आपके सामने है टाइम टेबल तो इसको भी आप सेव कर सकते हो अपने साथ ठीक है जिन्होंने अभी तक जो है वॉरियर्स एम बाइब के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है भाई प्लीज डाउनलोड दी एम बाइव एप्लीकेशन टू तो गेट ए आई बेस्ड लर्निंग विद अनलिमिटेड फ्री एक्सेस टू लर्निंग कंटेंट डिफेंस लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है मॉक टेस्ट अवेलेबल है बुक्स जो है आप जो खरीदते थे खरीदने की जरूरत नहीं है एम बाइक के एप्लीकेशन में हर चीज मौजूद है चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब टू तो दी चैनल एंड प्रेस दी बैल आइकन टू तो गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी लाइव क्लास टेक केयर गुड बाय जय हिंद जय भारत Keep imbibing. We believe in you.